हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट विल बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज योर ई ए एन रूल, ठीक है। इसको हम ई ए एन रूल भी बोलते हैं। दैट इज़ जो हमारा टॉपिक है आज का, दिस इज़ ई एन रूल इज़ अवर। ई स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर अटोमिक एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर। सो दिस इज़ अवर इफेक्टिव अटोमिक नंबर रूल, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी बताया था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ही कुछ बातें हम पहले यहाँ पे लेके आएंगे। तो जैसा कि आप सभी को अगर कुछ याद हो, मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू लुइस हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये आपके पास कब बनता है, जब आपके पास लिगेंड जो होता है आपके, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। दोनों अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वो शेयर करेगा विद दी मेटल, ठीक है। मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में जो है वो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेगा और हमारे पास जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसमें लिगेंड जो होगा हमारे पास, इट विल बिहेव एज अ डोनर। सो दैट इज़ जो आपके पास अकॉर्डिंग टू लुइस, ठीक है, जो लुइस की थ्योरी थी दैट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा कब बनता है, ठीक है। हमारे पास इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इट गेट्स फॉर्म्ड, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है। और इसकी फॉर्मेशन कब होती है हमारे पास, जब जो आपका लीगेंड होगा हमारे पास, ठीक है, जब आपका ये जो लीगेंड है, ठीक है, जब ये, अब आपको पता है लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लीगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये जो लीगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, जितने इसके जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कंट्रीब्यूट करेगा फॉर दी बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इट विल बिहेव एज अ डोनर, जो लीगेंड होगा हमारा इट विल बिहेव एज अ डोनर, जिसको हम जो आपके पास लुइस बेस बोलते हैं, ठीक है। लीगेंड इज योर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और मेटल जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और जो हमारा मेटल आइटम होता है, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो लिगेंड से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अवर लुइस एसिड, ठीक है, ये हमारे पास लुइस एसिड होता है और लिगेंड हमारा लुइस बेस होता है, ठीक है। तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, और यहाँ से हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका कंसेप्ट था, इसको हम बोलते हैं आपके पास जो लुइस, जो हमारा कंसेप्ट था दैट इज़ योर लुइस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है हमने आपके पास बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था इन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमारे पास जो फर्दर हमारा जो साइंटिस्ट था दैट इज़ योर सिजविक, ठीक है, जो हमारा साइंटिस्ट था दैट इज़ योर सिजविक, इसने क्या किया कि इसने ये जो थ्योरी थी लुइस की, ठीक है, जो लुइस की थ्योरी थी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन की, जिसके थ्रू हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, उसने इसी थ्योरी को जो है वो आपके पास एक्सटेंड किया, ठीक है। तो सिजविक ने कहा हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर होती है, ठीक है। तो उसने कहा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में, क्योंकि आपके पास लिगेंड जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है मेटल को, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लीगेंड ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेटल इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, मेटल जो है सिर्फ और सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रहा है लीगेंड से, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो कंट्रीब्यूशन हो रही है वो आपके पास लीगेंड से ही हो रही है, तो मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर लीगेंड है, तो इसी वजह से जो है हमारे पास जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा हमारे पास, सिजविक ने कहा कि हमारे पास जो मेटल आयन होता है कम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, तो मेटल आयन जो होगा कम्प्लेक्स के अंदर वो तब तक जो है आपके पास लीगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट करता रहता है जब तक कि उसकी जो कन्फिग्रेशन है, ठीक है, जब तक वो आपके पास जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी कन्फिग्रेशन जो है वो अचीव नहीं कर लेता है। दैट मीन्स कि हमारे पास सिजविक ने क्या सजेस्ट किया, उसने कहा कि हमारे पास जो मेटल आयन होगा, ठीक है, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स अंटिल इट अचीव्स द नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, जिसको जो है हम आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिजविक जो हमारे पास मेटल आयन होगा, ठीक है, मेटल आयन जो है इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटल आयन जो है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो उनको एक्सेप्ट करता रहेगा, कहाँ से करेगा, फ्रॉम द लिगेंड्स, ठीक है, मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लिगेंड्स, और कब तक करेगा, अनटिल, अनटिल इट अचीव्स,
ठीक है, जब तक ये क्या अचीव नहीं कर लेता हमारे पास, अंटिल इट अचीव्स द नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, द नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है, और इसी को ही हम आपके पास उस मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अवर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और EAN रूल, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने आपको कहा मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता रहेगा लिगेंड से, ठीक है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता रहेगा जब तक उसकी कन्फिग्रेशन जो है वो नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स EAN रूल हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो एक तो मेटल के पास है और दूसरे जो उसने लिगेंड से लिए, ठीक है, दैट मीन्स जो EAN आप बोल सकते हैं दिस इज दी सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सम है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, एक तो जो मेटल के ऊपर हैं, ठीक है, एक तो मेटल के जो अपने इलेक्ट्रॉन है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल, ठीक है, इन अ कम्प्लेक्स, ठीक है, किसी कम्प्लेक्स में मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है जो उसके अपने हैं प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास डोनेट हुए, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास डोनेट किए किसने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय दी लिगेंड्स, ठीक है, तो इनका जो सम है जो इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड ने डोनेट किए प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मेटल के पास ऑलरेडी कम्प्लेक्स के अंदर है, इन दोनों का जो सम होगा उसको जो है हम उस मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो कोई एटम है ट्रांजिशन मेटल्स में तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास अगर मैं 3D सीरीज़ की बात करता हूँ तो उसकी नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होगी, एटॉमिक नंबर 36, दैट इज़ अवर क्रिप्टन, तो EAN आएगा हमारे पास क्रिप्टन 36 के ऊपर, या फिर 4D सीरीज़ होगी तो 54 के ऊपर आएगा, दैट इज़ 54 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़ीनोन में होते हैं, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 86 होते हैं, दैट इज़ इन योर रेडॉन, ठीक है। तो हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास किसी भी मेटल एटम का कम्प्लेक्स में 36, 54 या फिर हमारा 86, या फिर अगर मैं इससे पीछे चलूँ तो हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा वो नियरेस्ट नोबल गैस आपके पास 18 होती है, दैट इज़ योर आर्गन, ठीक है। अगर हम पीछे चले जाएं आपके पास जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, दैट इज़ हमारे पास आर्गन के पीछे वाले जो हमारे पास होंगे, तो उनके लिए हमारे पास जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस जो होगी वो आर्गन रहेगी। तो आपने 36, 54 एंड 86 जो है फिलहाल के लिए आपको इनसे मतलब रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, ठीक है। और साथ में आपने एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, जो कम्प्लेक्सेस इस रूल को ओबे करते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्सेस विच विल ओबे दिस रूल, कम्प्लेक्सेस ओबेइंग दिस रूल, ठीक है, जो कम्प्लेक्सेस इस रूल को फॉलो करते हैं दे आर स्टेबल, ठीक है। वो सारे के सारे कम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं आपके, दे आर स्टेबल, जो जिस भी कम्प्लेक्स के अंदर जो है मेटल का EAN रूल सेटिस्फाई हो जाएगा वो कम्प्लेक्स आपका ऑटोमेटिकली स्टेबल होगा, और जहाँ पे नहीं होगा वो कम्प्लेक्स आपके अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ से आपको EAN रूल जो है वो एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहला कम्प्लेक्स लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के साथ। देखो आपके जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं EAN रूल अप्लाइड टू दी कार्बोनिल्स, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास EAN रूल था, वहाँ पे मैंने आपको इसको मेंशन किया था, लेकिन मैंने कहा था कि हम EAN रूल को जो है वो आपके पास इस चैप्टर के अंदर करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो EAN रूल जो है आपके पास, तो मैं इसका सबसे पहला एग्जांपल जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लूँगा, आफ्टर दैट मैं इस रूल को जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर जो है वो अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं आपके पास वेरी सिंपल कंपाउंड, दैट इज़ योर हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3, ठीक है, मेरे पास ये कम्प्लेक्स है, दिस इज़ हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। तो EAN रूल आपने किस तरह से जो है वो इलस्ट्रेट करना है हमारे पास, सबसे पहला काम जो होगा आपका, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है जो भी आपका मेटल एटम होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर आप उसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख दो, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ, दिस इज योर टी, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल कौन है, कोबाल्ट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट लिख दो, कितना होता है, 27 होता है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, कोबाल्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोबाल्ट एटम के अंदर 27 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, ठीक है,
तो कोबाल्ट थ्री के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कोबाल्ट थ्री कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोबाल्ट थ्री के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 27 पूरे इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, तीन, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो तीन इलेक्ट्रॉन और कम कर दो, तो टोटल हो गए हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, मेटल एटम जो है कोबाल्ट तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहेगा अमोनिया से जब तक इसका ईएन रूल जो है वो ऑबे नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ कितने अमोनिया है हमारे पास? 6 अमोनिया है, ठीक है, तो 6 अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? ठीक है, 6 अमोनिया डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? एक अमोनिया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन देता है, हमने ऑलरेडी बनाया था, जो भी मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हमने पीछे स्टडी किया था, जहाँ पे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी की थी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपका लिगेंड जो है वो डोनेट करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो 6 अमोनिया है, तो 6 छः के छः जो है आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ से? 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ई एन रूल आपका क्या होता है, ठीक है, ये सम होता है हमारे पास, किस चीज़ का सम होता है? दिस इज सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी मेटल एटम, मेटल कौन है? कोबाल्ट थ्री, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट थ्री प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डोनेटेड बाई 6 अमोनिया मोलिक्यूल्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू इफेक्टिव टॉमी नंबर, ये हमारा इफेक्टिव टॉमी नंबर होगा। और देख सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कोबाल्ट पे, कोबाल्ट थ्री आयन के ऊपर हमारे पास 24 हैं, और 6 अमोनिया ने हमें 12 इलेक्ट्रॉन दिए, सो दिस इज इक्वल टू 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 36 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो 36 इलेक्ट्रॉन मतलब हमारी जो नेक्स्ट नोबल गैस है कोबाल्ट की, नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होगी? दैट इज़ योर क्रिप्टन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स है इट हैज़ इट सेटिस्फाइड्स ई ए एन रूल, ठीक है, इट सेटिस्फाई ई ए एन रूल। तो अगर ई एन रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इस ई एन रूल को अप्लाई करोगे, तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस स्टडी किए थे इन दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, वहाँ पे आप उनके अंदर जो है वो ई एन रूल अप्लाई करो, ठीक है। तो वहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका जो है वो ई एन रूल सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं ई ए एन रूल, ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेंस होता है इन ऑर्गेनोमेटालिक्स, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ई ए एन इन ऑर्गेनो मेटालिक्स, ठीक है। ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो है वो ई ए एन रूल का किस तरह से हमारे पास सिग्निफिकेंस होता है? देखो, ई एन रूल जो होता है हमारे पास, इसका ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ जो ट्रांजिशन ऑर्गेनो मेटालिक कम्प्लेक्सेज होते हैं और जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, वहाँ पे ये रूल जो होता है आपके पास वो ओबे होता है, ठीक है, वहाँ पे वो कम्प्लेक्सेज जो होते हैं हमारे पास वो इस रूल को जो है वो ओबे करते हैं, ठीक है, ओबे करते हैं, तो डेफिनेटली ये कंपाउंड जो आपके पास स्टेबल होंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी कहा था वो आपके पास ई एन रूल से जो है बिल्कुल रिलेटेड होती है, ठीक है। तो उनके थ्रू जो है हम यहाँ से आपके पास ई एन रूल के थ्रू जो है उनकी स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास जो है बता सकते हैं। अब आपके सिलेबस में मेंशन है ई ई एन रूल जो है आपने अप्लाई करना है टू दी कार्बोनिल्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 99% जो आपके कार्बोनिल्स होते हैं वो ई ई एन रूल को जो है वो ओबे करते हैं, ठीक है। तो ई ई एन रूल, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस रूल इज अप्लाइड इन कार्बोनिल, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है ई ई एन रूल इन कार्बोनिल्स, ठीक है। तो कार्बोनिल आपके पास क्या होता है, दिस इज योर कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, इसको हम कार्बोनिल बोलते हैं। तो कार्बन मोनोक्साइड जो होता है आपके पास, ये ध्यान में रखना है, दिस इज योर न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, दिस इज योर न्यूट्रल लिगेंड, और ये आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे ई ए एन रूल जो है वो अप्लाई करना है कार्बोनिल्स के साथ। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं आपका पहला, ठीक है, लेट अस टेक अवर फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ योर निकल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका ई एन रूल सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो करना कैसे है, अगेन वही चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले लिखो आप अटोमिक नंबर, ठीक है, अटोमिक नंबर ऑफ निकल कितना होता है? 28, ठीक है। तो अटोमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, अब सभी के जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उनमें सभी के आपको अटोमिक नंबर जो है पूरी तरह से याद होने चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है निकल की? न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 रहेगी, ठीक है। तो निकल है आपके पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है पर 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है।
कितने कार्बन मोनोक्साइड है, चार, ठीक है, चार कार्बन मोनोक्साइड जो है दे डोनेट्स, ठीक है, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, कितने डोनेट करेंगे, एक दो करता है तो चार करेंगे, आपके पास एट इलेक्ट्रॉन डोनेट, ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, ठीक है, फोर कार्बन मोनोक्साइड जो है वो आपके पास एट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे ई ए एन ऑफ निकल टेट्रा कार्बोनिल, दिस इज इक्वल टू, सम करेंगे दोनों काम, दिस इज इक्वल टू 28 + 8 इज 36, ठीक है, तो ई एन हमारे पास मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 36, ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हुआ हमारे पास, 36, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कम्प्लेक्स जो है हमारे पास, दैट इज़ जो हमारा कम्प्लेक्स है निकल टेट्रा कार्बोनिल, इट सेटिस्फाई ई ए एन रूल, तो अगर ई ए एन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो दिस कम्प्लेक्स इज, ठीक है, ये जो हमारा मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्स है ये आपका स्टेबल होगा, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दैट इज़ योर वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है, सेकेंड कम्प्लेक्स है हमारा, सेकेंड जो हमारा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल, तो जैसे मैंने आपको कहा पहला काम एटॉमिक नंबर मेंशन करो, एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम कितना है, 23, ठीक है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज़ीरो, ठीक है, वेनेडियम ज़ीरो कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, कितने करेगा, 23 इलेक्ट्रॉन्स, कितने कार्बन मोनोक्साइड है, 6 हैं, 6 कार्बन मोनोक्साइड डोनेट्स, कितने डोनेट करेंगे, 6 × 2 इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा हमारे पास वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल का, दिस इज़ इक्वल टू 23 + 12, दिस इज़ इक्वल टू 35, ठीक है, तो नेक्स्ट नोबल गैस है हमारी क्रिप्टन, 36, ठीक है, तो दैट मीन्स इसका ई ई एन रूल जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल डज नॉट सेटिस्फाई ई ए एन, ठीक है, इसका ई एन रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ अपना, तो आपने ध्यान रखना है ये आपके पास ऐसा कम्प्लेक्स है जिसका ई एन रूल सेटिस्फाई नहीं होता है, और आपके पास जो है वो बार बार एग्जाम से पूछा जाता है यही क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स जो है डज नॉट सेटिस्फाई ई ए एन रूल, वहाँ पे आपके पास एम सी क्यू क्वेश्चन होगा और आपको वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है, तो आपने देखते एकदम से ध्यान इसको टिक करना है, लेकिन साथ में ध्यान रखना कहीं चार चूर्ज मैंशन ना किया हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने चार्ज अभी तक कहीं नहीं लिया है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ जो है वो कार्बोनिल के अलावा कुछ और एक दो और लिगेंड रखता हूँ, तो सपोज मेरे पास है कोबाल्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया आपके पास, दिस इज़ योर पाई C5H5 साइक्लोपेंटाडाइन है, ठीक है, और दिस इज़ योर दो कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, तो वही चीज़ होगी, एटॉमिक नंबर लिखना सबसे पहले आपने कोबाल्ट का, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है, 27, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट की, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपने देखनी है, तो न्यूट्रल है कम्प्लेक्सीज हमारे पास, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहेगी, तो कोबाल्ट एटम कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन होगी इसके अंदर, 27 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दो कार्बन मोनोक्साइड जो हैं दे विल डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अब साथ में हमारे पास देखो ये लिगेंड भी है पाई C5H5, ठीक है, तो ये जो लिगेंड है आपके पास पाई C5H5 इट विल डोनेट, ठीक है, इसकी जो एक्टिसिटी होती है वो होती है आपके पास 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो आप इसका ई ई एन निकाल लो, ठीक है, ई ई एन इज इक्वल टू 27 + 4 + 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 34 + 5 = 36, ठीक है, तो ई ई एन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, ठीक है, तो आयरन है आपके पास, ठीक है, आयरन है मेरे पास, नो दिस इज सिग्मा बॉन्डेड C5H5, ठीक है, और साथ में आपका पाई बॉन्डेड भी है, ठीक है, और साथ में है आपके पास दो कार्बोनिल, ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो रहेगी, तो आयरन कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 26, 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, दो कार्बन मोनोक्साइड है, टू कार्बन मोनोक्साइड डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पाई C5H5 इसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, इट डोनेट्स, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
अब ये जो सिग्मा बॉन्डेड है मेरा, सिग्मा सी फाइव एच फाइव, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा आपके पास, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा आपके पास ये, ठीक है, तो दिस विल डोनेट यू वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा. नाउ कैलकुलेट ई ए एन, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा मेरा दिस वन, दिस विल बी 36. तो ये कम्प्लेक्स भी आपके पास ई ए एन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है. तो अब मैं एक दो एग्जांपल और लिख सकता हूँ आपके साथ, ठीक है. नेक्स्ट जो मेरा एग्जांपल है सी ओ सी ओ फोर, ठीक है, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल. तो कोबाल्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, कोबाल्ट के पास होते हैं हमारे पास 27, एटॉमिक नंबर 27 है, ठीक है, चार कार्बन मोनोक्साइड डोनेट कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कर देंगे डोनेट. तो ई ए एन कितना आ जाएगा हमारे पास 35, ठीक है, दैट मीन्स कोबाल्ट जो है इसके पास नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं है, तो दैट मीन्स ये कम्प्लेक्स हमारा स्टेबल नहीं है, ठीक है. तो आपने ध्यान में रखना है कुछ एक हमारे पास ट्रांजिशन मैटर्स के अंदर, हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर जिनका एटॉमिक नंबर हमारा ऑड होता है, ठीक है, तो जो उनके हमारे पास कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, वो आपके पास जो होते हैं उनका ई एन रूल जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, जब तक उनके ऊपर चार्ज चूज नहीं होता कोई, ठीक है. अगर चार्ज वगैरह होगा तब आपके पास वो ई एन सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन अगर एज अ न्यूट्रल हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे मेटल एटम के, तब वो आपके पास जिनका एटॉमिक नंबर ओड है वो आपका ई एन रूल सेटिस्फाई नहीं करेंगे. तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं कोबाल्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है, कोबाल्ट से पीछे हमारे पास मैंगनीज होता है 25 एटॉमिक नंबर, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है. तो ये हैं हमारे पास जो आपके एटॉमिक नंबर को इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. तो आप देख सकते हैं वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है, 23, 25, 27 ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे. तो इस केसेस में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा मेटल एटम होता है ना, ठीक है, अब ई ए एन रूल को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास ये डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है, दिस फॉर्म्स डाइमर, ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपस में कमाई करके डाइमर बना देगा, तो दिस इज सी ओ टू सी ओ एट, ठीक है. तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कितने कोबाल्ट एटम है, दो है, टू कोबाल्ट कंटेन, ठीक है, दो कोबाल्ट कंटेन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के पास है 27, दो के पास कितने हो जाएंगे 2 × 27 54 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दो के पास 54 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, आठ है मेरे पास कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, आठ कार्बन मोनोक्साइड दे विल डोनेट्स 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो दो कोबाल्ट एटम है यहाँ पे, डाइमर बनेगा तो बीच में एक कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कितने बॉन्ड होंगे वो एक ही होगा, दो कोबाल्ट है ना तो उनके बीच में एक ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो हमारे पास एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड होगा, ठीक है, वन कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड गिव्स, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. अब और हमारे पास कुछ नहीं रहा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप सम कर सकते हैं, ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ हमारे पास जो है आपके पास सम करो आप ई ए एन ऑफ सी ओ टू सी ओ एट, 54 प्लस 16 70 प्लस 2 72, ठीक है. अगर मैं ई ए एन निकाल लूँ, ठीक है, पर कोबाल्ट एटम, ठीक है, अगर मैं अकेले कोबाल्ट का निकाल लूँ, दो हैं तो अकेले का कैसे आएगा, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू करेंगे तो 36, ठीक है, हो गया सेटिस्फाई, दैट मीन्स दिस कम्प्लेक्स इज स्टेबल, ठीक है. अब लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है, मेरा लास्ट एग्जांपल है अब इस टॉपिक का, उसके बाद मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा यहाँ से, ठीक है. तो लास्ट एग्जांपल जो होगा मेरा दैट विल बी और चलो आयरन का लेते हैं, Fe3CO12, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज़ीरो रहेगी. आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयरन कंटेन तीन आयरन है, एक में 26 होते हैं, तीन में हमारे पास 78 हो जाएंगे, ठीक है, 12 मेरे पास कार्बन मोनोक्साइड हैं, दे विल डोनेट 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अब देखो तीन मेटल एटम है, ठीक है, तीन मेटल एटम है, मान लो एक ऐसे है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसे है, तो इनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे, एक दो तीन, तीन बॉन्ड होंगे, ठीक है, आयरन आयरन है ये, थ्री आयरन आयरन, ठीक है, बॉन्ड, तो एक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन में कितने हो जाएंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन,
तो ई ए एन निकाल लो, ई ए एन ऑफ एफ ई थ्री सी ओ 12, ठीक है, करो सम, 78 6 84, 84 और 24 हो गए आपके पास 108, ठीक है, 78 6 84 और 78 6 84 और 108। तो अगर मैं ई ए एन निकाल लूँ, ई एन पर आयरन आइटम, तो तीन आयरन है, डिवाइड कर दो तीन से, ठीक है, 36 आ जाएगा मेरे पास। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कहीं ऐसा नहीं करना कि आपने पास अगर एक से ज़्यादा मेटल आइटम होंगे तो उनके बीच में मेटल मेटल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अगर मैं मेटल मेटल बॉन्ड काउंट नहीं करता, मान लो अगर मैं जैसे ये एग्जांपल, अगर मैं यहाँ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड को नहीं लेता तो मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आने थे, 54 + 16 आना था 70, ठीक है, तो ई ए एन मेरा पर आइटम 35 आता, ठीक है, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो सेटिस्फाई कैसा हुआ, ठीक है, हमने ऑलरेडी निकाला भी, जैसे मैंने आपके पास यहाँ निकाला कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल के अंदर, ठीक है, आप देखो यहाँ पे ई ए एन आया हमारे पास 35, ठीक है, एक कोबाल्ट यूनिट का हमारे पास, 1 CO CO4 का हमारे पास जो ई ए एन है 35 है, ठीक है, कैसे है, ऐसे दो है मेरे पास यहाँ, डाइमर बना, तो दोनों का कितना हो गया टोटल 70 होना था, तो बीच में एक मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड आ गया, कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तभी हमारे पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन और बढ़े और हमारा ई एन पर एटम जो है वो 36 हुआ, ठीक है। तो ये है आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट, ठीक है, विच इज़ अप्लाइड टू अवर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा इस ई एन सिस्टम के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। सो थैंक यू वेरी मच।